हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी मंथली इनकम स्ट्रेटजी के बारे में। लेकिन निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम एग्जांपल देखने वाले हैं बैंक निफ्टी का। निफ्टी के ऊपर आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो लास्ट वीडियो अगर आपको याद होगा, मैंने इस तरह का बनाया था लगभग अब से 3 वीक पहले, जिसके ऊपर काफी अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों का मुझे। और वहां पे रिक्वेस्ट थी कि सर एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि लास्ट वन मैंने डायरेक्शनल आपके साथ शेयर की थी। ये जो स्ट्रेटजी है नॉन डायरेक्शनल है, तो इसके अंदर आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो देखिए आपका है 50,000 का, जिसमें मैक्स रिस्क आपका 5,000 से 6,000 के बीच में आपका रहेगा। मैक्स प्रॉफिट आपका 12,000 तक रहेगा, लेकिन हमारा टारगेट 6 से 8,000 ही यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि मार्केट इसके अंदर देखिए पीक पे हमेशा नहीं रुकेगा। जब भी मार्केट होगा, कभी लेफ्ट कभी राइट, थोड़ा बहुत मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह से। तो इसलिए 12,000 का प्रॉफिट अगर तो मतलब किस्मत अच्छी है तो मिल जाएगा, लेकिन हमेशा आपको 12,000 नहीं मिलने वाला। तो बेटर है कि आप 6,000 या 8,000 रुपए इसमें से लेके निकल लें जब भी आपको प्रॉफिट देखने को मिले। तो इस स्ट्रेटजी को हम 2 मंथ्स के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। पहला करेंगे लेटेस्ट हम जून, और उसके बाद हम करेंगे जुलाई, मतलब कि लेटेस्ट 2 मंथ हम इसको बैकटेस्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा किन कंडीशंस के अंदर स्ट्रेटजी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी और किन कंडीशंस के अंदर आपको इसके अंदर एडजस्टमेंट करना है, और ये जो मैक्स रिस्क है इसे आप कम कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे 5,000 दिख रहा है, ये विदाउट एडजस्टमेंट है। इसके अंदर आप एडजस्टमेंट करेंगे तो ये लॉस आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्ट्रेटजी को बनाने के लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। देखिए इसको हम बोलते हैं आयरन फ्लाई। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, आपको कॉल और पुट को शॉर्ट करना है। दोनों के दोनों सेल कर दिया आपने एटीएम, ठीक है। इसके बाद कॉल और पुट के ब्रेक इवन जो आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, इसको आपको बाय कर लेना है। तो स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यूट्यूब पे, तो ये आयरन फ्लाई नाम से स्ट्रेटजी आपको दिख रही होगी पुष्कराज ठाकुर के चैनल पे, जो कि थीटा गेनर है, जो उन्होंने स्ट्रेटजी बताई थी। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें हैं स्ट्रेटजी के अंदर जो कि इन्होंने नहीं बताई है कि कैसे मार्केट्स के अंदर आपको ये लॉस दे सकती है, क्योंकि इन्होंने बताया कि मार्केट ट्रेंडिंग है तब भी आप इसके अंदर कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने मंथ ऐसा सिलेक्ट किया जो दिसंबर का मंथ था, जहां पे कि मार्केट रिवर्स हुआ। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स नहीं होता तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है आफ्टर एडजस्टमेंट, वो मैं आपको यहाँ पे असल में बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि प्रॉफिट तो हर कोई दिखाता है, लेकिन उसके पीछे जो लॉस होता है, क्योंकि मार्केट में आपको कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर की कभी लॉस होगा ही नहीं। लॉस होगा, लेकिन उस लॉस को एडजस्ट करके आप कितना कम कर सकते हैं वो हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ हम प्रॉफिट भी देखेंगे, इसलिए मैंने जून और जुलाई चूज किया है। जून के अंदर आपको प्रॉफिट आया है और जुलाई के अंदर विद एडजस्टमेंट आपको लॉस आया है, तो कितना है वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ ऑब्स्ट्रा के ऊपर। ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है, हम चलते हैं ऑब्स्ट्रा के ऊपर। अब ऑब्स्ट्रा के ऊपर देखिए यहाँ पे अगर हम करें, इसको रीसेट कर लेता हूँ एक बार मैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी है और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको शॉर्ट आयरन, सॉरी नॉट लॉन्ग, यहाँ पे शॉर्ट आयरन फ्लाई को हमें कर देना है क्रिएट। अब ये देखिए नीचे स्ट्रेटजी बन गई आपकी। मार्जिन आपका लगभग 45,000 का है इसके अंदर। मैक्स प्रॉफिट आप देखिए 10,000 का है, मैक्स लॉस आपका 4,300 का है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी लॉट साइज सेम है, तो लगभग आपको इसके मतलब की कैपिटल रिक्वायरमेंट लगभग सेम है। एक में आपको 1,20,000 लगता है और एक में आपका 1,10,000 लगता है विदाउट हेजिंग, तो आपको लगभग सेम टू सेम यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्स प्रॉफिट 10,000 का, निफ्टी के अंदर आप करेंगे तो आपको 12,000 का दिखेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं इसको 10 to 12,000 ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे 12,000 लिखा है, लेकिन ये तो हमें 10,000 ही दिखा रहा है, तो मैंने निफ्टी का लिखा है। मैक्स रिस्क की बात करिए, मैंने निफ्टी का लिखा है 5,000। अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे आप तो 4,300 का है आपका, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,000 से लेके 5,000, ठीक है। इसको हम कर देते हैं और यहाँ पे समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट आयरन फ्लाई बन गई आपकी। इसके अंदर आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो है आपका 23% का ऑन योर कैपिटल। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है, आपको टोटल प्रॉफिट लेके निकलना नहीं है, क्योंकि मार्केट इस जगह पे जब ये बंद होगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मार्केट हमेशा यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, कभी वो यहाँ मिलेगा तो कभी वो यहाँ मिलेगा। तो 5,000 से लेके 8,000 रुपए तक का प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी स्ट्रेटजी। अब इसको हम सिमुलेट करेंगे जून और जुलाई मंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 मंथ करेंगे, यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन और सिमुलेटर। 2 मंथ में क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूं, मंथली 1 मंथ का बैंक निफ्टी का। यहाँ पे देखिए ये आपका है जून, ठीक है, और ये आपका जुलाई। जून मैंने क्यों सिलेक्ट किया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर जाके बंद हुआ, मतलब मार्केट एक रेंज के अंदर रहा आपका ये। लेकिन जुलाई के अंदर
लेकिन जुलाई के अंदर क्या किया, मार्केट खुला, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद इसने एक हाई बनाया और फिर आके वापस क्लोज हुआ। ये भी छोड़िए, हम जुलाई छोड़ देते हैं, हम लेते हैं ये वाला मंथ। ये कौन सा मंथ है? अप्रैल। अप्रैल मंथ को लेंगे और इसमें एडजस्टमेंट देखेंगे, क्योंकि जुलाई के अंदर भी आपको ज्यादा लॉस नहीं दिखेगा, इसमें आपका मेन लॉस दिखेगा ऐसे मंथ्स के अंदर या फिर ऐसे मंथ्स के अंदर जो कि बिल्कुल एकदम सीधे जा रहे हैं, ठीक है, रिवर्सल ना आए। तो हम यहाँ पे अप्रैल देखेंगे और जून देखेंगे। सबसे पहले हम जून देख लेते हैं, ठीक है। तो जून के अंदर हमें क्या करना है, पे ऑफ आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें सिलेक्ट पे ऑफ में जाना है जून के अंदर, और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट है 29, आई थिंक 28 है, क्योंकि 29 को छुट्टी थी। और यहाँ पे हम करेंगे, देखिए 28th of June, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका स्टार्टिंग डे निकालेंगे, जब हमें स्ट्रेटजी को स्टार्ट करना है वो रहेगा आपका फ्राइडे, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। और इसके अंदर हम बनाएंगे आयरन फ्लाइट। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, पूरा स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते हैं, हमें इसके अंदर 12 बजे पोजीशन लेनी है। तो हम चलते हैं धीरे धीरे करके 12 बजे, ये आ गए हम 12:20 पे, 12:15 और ये आ गए 12 बजे। गेट ऑप्शन चेंज करते हैं और देखते हैं स्पॉट प्राइस कितना है, 43,976, मतलब कि 44,000। सो यहाँ पे 44,000 का आपका कॉल एंड पुट, 44,000 सेल करेंगे एंड यहाँ पे फिर से 44,000 का हम कॉल सेल करेंगे। तो अभी जो स्ट्रेटजी आपके पास बन के आई, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका स्ट्रेडल। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको स्ट्रेडल दिखेगा। अब इसी के अंदर जब हम हेजेस ऐड कर देते हैं तो स्ट्रेटजी बन जाती है आपकी आयरन फ्लाइट, ठीक है। तो अब इसके अंदर हेजेस ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, आपको ब्रेक इवन को बाय करना है कॉल एंड पुट के। तो ब्रेक इवन क्या है आपके पास, 42,845 है आपका, 160 है तो 200 मान लेते हैं, तो 45,200 आपका कॉल की साइड एंड 42,800 आपका पुट की साइड। तो 42,800 आपका पुट की साइड, ये रहा, इसको हम करेंगे बाय एक लॉट एंड 45,200 आपका कॉल की साइड बाय एड पोजीशन। अभी जो ऊपर लेग्स बन के आएंगी ये आपकी बन गई आयरन फ्लाई, इसे हम कहते हैं आयरन फ्लाई, ठीक है। इसको रीसेट कर लेते हैं, इस तरह की आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपका देखिए मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है 20,000 का, मैक्स लॉस दिखा रहा है आपका 9,000 का। अब ये चीज आपकी चेंज होती रहेगी, देखिए अभी इसकी बात अगर हम करें, यहाँ पे मैंने लिखा है 4,000 से 5,000, लेकिन यहाँ पे आपको कितना दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है 9,000। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये आपका जो लॉट साइज है ये आपका 25 के लॉट साइज के हिसाब से दिखा रहा है। अभी का जो लॉट साइज था जो हमने आयरन फ्लाई बनाई थी वो अभी के 15 के लॉट साइज के हिसाब से दिखा रहा था, तो अभी के लॉट साइज के हिसाब से आपको यहाँ पे 4,000 से 5,000 ही मिलने वाला है, लेकिन पुराना है ये, हम बैकटेस्ट कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको 9,000 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम आप मान सकते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे थोड़ा आपका ज्यादा लगेगा। यहाँ पे आपके देखिए मैक्स प्रॉफिट 10 से 12 था, लेकिन यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है। तो ये जो मैंने चीज बनाई है अभी के हिसाब से, क्योंकि आपको अब ट्रेड करना है एक लॉट के हिसाब से, पहले का हम सिमुलेट करेंगे, तो हर चीज को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 50 की जगह आप 80,000 कर दीजिए, 4 से 5 की जगह 9 कर दीजिए, 10 से 12 की जगह 20 कर दीजिए, टारगेट हमारा 6 से 8 की जगह 12 से 16 कर दीजिए, ठीक है। हर चीज यहाँ पे डबल कर दीजिए, हम बैकटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आपका यही सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला है। तो अभी लॉट साइज चेंज हुए इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, हम जो सिमुलेट कर रहे हैं वो हम पुराने डाटा पे कर रहे हैं, मतलब कि 25 के लॉट साइज पे, तो हर चीज थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अब हम इसको एक एक दिन आगे लेके चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं अपना, ठीक है। अब यहां से हम चले 2 जून से आगे 3 जून, यहाँ पे आपका प्रॉफिट 385 रुपए, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा। इसके बाद और आगे चलेंगे, अब इसके अंदर हम देखिए हमें कब तक इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, जब तक कि आपका जो प्राइस है वो इस ब्रेक इवन से आगे ना निकल जाए। गेट ऑप्शन चेंज, ओह सॉरी, यहाँ पे वन डे करेंगे आगे, और आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे, 600 का प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, यहाँ पे 750 का, यहाँ पे 1400 का, यहाँ पे 2300, यहाँ पे 2400, आगे चलते रहते हैं, देखते रहे आप नीचे प्रॉफिट एंड लॉस कितना चेंज हो रहा है। 14 जून तक हम आ गए हैं, यहाँ पे 2600 का प्रॉफिट है आपके पास, 15 जून को आपको 3400 का प्रॉफिट है, फिर उसके बाद आपका 4800, 19 जून को 5200,
20 जून को आप देखेंगे तो 4600, इसके बाद देखेंगे आप 21 जून को आपका रहेगा 6700, फिर से चलेंगे एक दिन आगे और आगे चलते हैं हम, यहां पे देखिए 8000, 9000 और ये हम आ गए आखिरी में 12000। यहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 12 बजे आपको दिख रहा है। हम यहां पे आखिरी तक चलते हैं, यहां पे एक दिन और आगे चलते हैं, ये आपके आ गई एक्सपायरी। देखिए 12000 था वहां पे आप बुक कर लेते तो ये प्रॉफिट आपका कम नहीं होता। अब आगे चलते हैं 15 15 मिनट करके, यहां पे देखिए 12000 आ गया, यहां भी आप बुक कर सकते थे। तो ये हम आ गए एंड में, और इसको थोड़ा सा और करते हैं, इसको आगे देखते हैं कहां तक जाता है हमारा 15 15 तक। यहां पे 2:30 हो गया, टाइमिंग यहां पे आपको दिख रही होगी, और आगे चलते हैं तो ये 15 और ये आ गया आपका 15 15। तो ये आपको देखिए 13000 का प्रॉफिट है। 5 मिनट और आगे चलते हैं अगर, तो ये आपका प्रॉफिट पहुंच जाता है 12300। मतलब कि आपको इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो जून मंथ के अंदर विदाउट एडजस्टमेंट आपका काम चल गया। यहाँ पे लगभग आपको कितने परसेंट ऑफ प्रॉफिट मिला, आपको इसके अंदर कैपिटल लगा लगभग 80 to 90 thousand का, और आपको 12000 रुपए, मतलब कि लगभग आपको 10% मिल गया। तो 10% लेके मत निकलिए, आपको जैसे ही 4 से 5% भी दिखता है इसके अंदर तो आप लेके निकल जाइए, नहीं तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है अगर मार्केट एकदम से आखिरी टाइम पे ऊपर या नीचे हो जाता है। अब हम चलते हैं अप्रैल मंथ के अंदर, जो कि है आपका मेन ऐसा मंथ जिसके अंदर कि आपको लॉस होगा, लेकिन लॉस कितना होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूं, यहाँ पे हम चलेंगे इसको रिसेट करेंगे, यहाँ पे हम चलेंगे अप्रैल मंथ के अंदर, और यहाँ पे एक्सपायरी कब की है 27th of April की। यहाँ पे आप देखेंगे हम अप्रैल में जाएंगे, और यहाँ पे आपका जो वीक है ये स्टार्ट कब हुआ है आपका, ये आपका हुआ है मार्च में 31st। यहाँ पे हम अप्रैल 27 इसका सिलेक्ट करेंगे एक्सपायरी। अब इसके अंदर जो टाइम है वो हम चेंज कर लेते हैं 12 बजे का, 12 बजे का टाइम यहाँ पे 12:15 और ये 15, 12 बज गए। अब यहाँ पे आपका स्पॉट प्राइस कितना है 40,465, मतलब कि 40,400 हो गया आपका एट द मनी। तो 40,400 का आपको कॉलर पुट यहाँ पे शॉर्ट कर देना है, 40,400 का सेल करेंगे एंड यहाँ पे भी 40,400 को हम सेल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज पहले ही दिख रही होगी यहाँ पे कि प्रीमियम आप यहाँ पे देखेंगे ना तो 835 और 512, मतलब कि लगभग 300 पॉइंट का प्रीमियम का यहाँ पे गैप है। ऐसे मंथ्स के अंदर ना अगर आप एंट्री ना लें जब तक कि इनके प्रीमियम्स बराबर ना हो तो भी आप यहाँ पे सेव हो सकते हैं। तो जब भी आप देखिए प्रीमियम आपके अनइवन होते हैं ना, तो क्या होता है मार्केट उस डायरेक्शन में भागता है जहां की प्रीमियम आपके हाई है। मैक्सिमम टाइम ये होता है आपका 10 में से आपका 7 बार यही होगा, ठीक है 3 बार हो सकता है इसका उल्टा हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका यही होता है। तो बेटर है कि इन दोनों प्रीमियम्स को बराबर आने का वेट कीजिए, तब इसके अंदर एंट्री लीजिए उस मंथ के अंदर। तो मतलब ये रहेगा कि मार्केट अब स्टेबल है, तभी आपके प्रीमियम ये बराबर आएंगे एट द मनी के। तो अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, लेकिन आगे से आप इस चीज को बैकटेस्ट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, एड कर दिया, ये बन गया आपका स्ट्रैडल। अब इसको आयरन फ्लाई बनाने के लिए ब्रेक इवन कितने हैं, 39,000 का आपका पुट रहेगा और 41,800 हम ले लेते हैं का कॉल रहेगा। इसको मैं लिख लेता हूं 39,000 और 41,800, 39,000 एंड 41,800, ठीक है 39,000 और 41,800। तो 39,000 का पुट हम ऐड करते हैं, हम ऐड कर देते हैं बाय और 41,800 का कॉल, 41,800 ये रहा आपका कॉल, बाय कर लेंगे एड पोजीशन। ये बन गई आपकी आयरन फ्लाई, ठीक है मैक्स प्रॉफिट 24,000, मैक्स लॉस 10,000, ब्रेक इवन आपका देख सकते हैं यहाँ पे कितना है। अब हम चलते हैं इसमें एक एक दिन आगे, तो यहाँ पे 31 मार्च है, यहाँ पे देखते रहिएगा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेंज होता है। मंडे आगे चले हम, ये आपका अभी ब्रेक इवन के पास जब तक नहीं पहुंचता हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी है। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, अभी कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे देखिए मार्केट आपका ना सीधा ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने आपका अप्रैल का मंथ सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट रिवर्स हुआ ही नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा है 200 रुपए का। आगे चलते हैं, और ये ब्रेक इवन के पास पहुंच गया लेकिन ब्रेक इवन क्रॉस नहीं किया। आप चाहे तो यहाँ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी बिंग, लेकिन थोड़ा सा रिस्क अगर ले सकते हैं तो एक दिन और आगे जा सकते हैं। एक दिन और आगे जाने पे भी आपको लगभग उतना ही लॉस है, ठीक है तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें एडजस्टमेंट का पार्ट ये है कि जब भी ये ब्रेक इवन से बाहर निकले तो आपको फिर से
जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मार्केट देखेंगे अप्रैल साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसमें पुट शॉर्ट करेंगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता तो हम इसमें कॉल शॉर्ट करते। तो यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट जो होगी वो होगी पुट को शॉर्ट करके। पुट हम कौन सा शॉर्ट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, गेट ऑप्शन चेंज करते हैं, यहाँ पे हम चलेंगे पुट की तरफ। और पुट के अंदर हमें दो चीजें देखनी है, या तो इसका जो प्राइस है वो 120 के आसपास हो, या फिर जो इसका डेल्टा है वो 20 के आसपास हो। तो यहाँ पे देखिए 20 का डेल्टा आपका 141 दिखा रहा है लगभग, और 120 के आसपास ये है। तो फॉर द सेफ्टी बिंग आप लोअर प्रीमियम लेंगे तो ही आपको यहाँ पे फायदा रहेगा। तो यहाँ पे आप 112 या 124 में से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी 124 लेते हैं क्योंकि ये 120 के ज्यादा पास है, क्योंकि आपका 4 पॉइंट ऊपर है और ये आपका 8 पॉइंट नीचे है 120 से। तो इसको हम कर लेते हैं सेल और यहाँ पे एक लॉट। अब यहाँ पे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा क्योंकि ये विदाउट हेज है आपका, तो यहाँ पे आपको पूरा एक लॉट का एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये जो ग्राफ है आप फिर से पे ऑफ के अंदर आ गए। अब आपका जो मैक्स लॉस है जो आपको 10,000 दिखा रहा था इस साइड को वो कितना हो गया, अब आपको जो मैक्स लॉस होगा वो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एंड में जाएगा वो जाएगा 7,000 का, 10,000 से आपका 7,000 हो गया। तो अब और आगे चलते हैं और यहाँ पे हम पीएनएल देखेंगे क्योंकि हमें इस लेग को बुक करना है जब ये 30 या 35 रुपए आ जाएगी। तो वन डे के ऊपर आगे हम वन डे आगे चलेंगे, 124 का 87 हो गया। अब यहाँ पे ऑफ का काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस प्रीमियम को देखना है, पे ऑफ तो आपका बाहर ही निकला रहेगा इसमें क्योंकि मार्केट सीधा ही गया है। और आगे चलेंगे, अब यहाँ पे देखिए पीएनएल के अंदर ये आपका 50 हो गया, और आगे चलेंगे ये आपका हो गया 31। अब यहाँ पे इसको आप बुक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसे हम 31 पे बुक कर लिया हमने। यहाँ पे आपको लॉस दिखा रहा है 6,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार पे ऑफ ग्राफ देखते हैं, पे ऑफ ग्राफ में अब आपको मैक्सिमम जो लॉस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8,500 का, जो कि आपको हो सकता है। अब और एडजस्टमेंट करने के लिए इसके अंदर क्या करना है, फिर से गेट ऑप्शन चेंज कीजिए। नेक्स्ट है आपका 70 के आसपास का प्रीमियम आपको सेल करना है, तो ये आपका 72 आ रहा है, डेल्टा 12 है, अगर 20 का डेल्टा करेंगे तो 117 होगा। तो यहाँ पे हम प्रीमियम बेस चलते हैं 70 का, हम यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करेंगे एड पोजीशन, फर्क देख लेते हैं क्या पड़ता है। अगर हमने 70 का एड किया तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी इसके अंदर हम 112 वाला एड करके देखते हैं ग्राफ किस तरह का दिखता है। इसे हम डिलीट कर देते हैं और इसके अंदर हम ऐड करते हैं 20 का डेल्टा, 20 का डेल्टा है 117, 102 ले लेते हैं, सेल करते हैं एक बार, देखते हैं ग्राफ में क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पे देखिए अगर हम ज्यादा प्रीमियम यहां पे शॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट है ना, जो आपको मैक्स प्रॉफिट होने वाला है वो खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप खुद ही देखिए आपको मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे 1400 का मिलेगा अगर आपने 20 का यहाँ पे डेल्टा शॉर्ट किया, ठीक है, और आपको लॉस कितना हो रहा है मैक्सिमम लगभग 6,000 या 5,000 का। तो ये स्ट्रेटजी तो काम की नहीं रही ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पे अब डेल्टा नहीं देखना है, अब आपको देखना है यहाँ पे कि आपका जो पे ऑफ ग्राफ है वो आपको कुछ प्रॉफिट तो दिखाए, कम से कम 1:1 तो दिखाए। तो यहाँ पे हम भी अभी आपका देखिए मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, अभी आपका पीएनएल दिखा रहा है मैक्स 26,000 का, ठीक है, जो कि आपको हो सकता है। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे और 70 के आसपास, 70 70 70 कहाँ है, 70 ही है, हम 60 ही कर देते हैं, थोड़ा सा हमें और सेफ्टी रहेगा, ठीक है, एड पोजीशन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट कितना है, लगभग 10,000 का रहा, ठीक है, कम तो नहीं हुआ वहां पे, तो बिल्कुल आपका खत्म ही हो गया था, 1500 रुपये रह गया था। अब इसको हम चलेंगे और आगे पीएनएल पे चलेंगे और आगे चलेंगे, 4,000 का लॉस रह गया, ये 62 का आपका जब लगभग 20 आएगा तो हम यहां से निकल जाएंगे, ठीक है, लगभग 70% जब आपका डीके हो जाए ना, 72-80% या 65-70% तो आपको यहां से निकल जाना है। 34 और आगे चलेंगे, यहां पे आपका 11 हो गया। अब यहां पे सीधा 11 पे आपका एक बुक हुआ है, यहां पे 11 मॉडिफाइड। अब यहां पे फिर से एक पोजीशन आपकी ऐड होगी, पे ऑफ ग्राफ देखिए इस तरह का देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपका 50 के आसपास का प्रीमियम हम देखेंगे, 50 के आसपास मतलब कि ये हो रहा है, तो 50 ना करते हो हम 39 करेंगे, क्योंकि अगर 50 करेंगे तो हम देख लेते हैं एक बार, रुकिए, ऐड पोजीशन हमने किया,
मैक्स प्रॉफिट कितना बचेगा, मैक्स प्रॉफिट खत्म ही हो गया आपका। मतलब कि इस एडजस्टमेंट को करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस एडजस्टमेंट को किया तो मार्केट अब पीछे आए या आगे जाए आपको तो लॉस तो नहीं है। देखिए कहीं भी देखिए आपको पीएनएल 6000 के आसपास ही अटक गया है, आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आप इसके अंदर नहीं कर सकते इसको। तो ये सब चीजें बताने वाला था जो कि इस वीडियो में कवर अप नहीं थी, जो कि अभी मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी ट्विटर गेनर वाली, पुष्कर राज ठाकुर वाली, उसमें ये चीजें कवर नहीं थी। तो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता, ठीक है। तो पे ऑफ ग्राफ में कुछ प्रॉफिट तो दिखना चाहिए ना, तभी हम एडजस्टमेंट करेंगे। 39 का एक बार हम करके देखते हैं, यहाँ पे एड पोजिशन करते हैं, कुछ प्रॉफिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, 39 भी नहीं कर सकते इसके अंदर हम एड। और नीचे चलते हैं, 39 की जगह हम करते हैं 30 करके देखते हैं एक बार, सेल एड पोजिशन। यहां भी आपको कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा, हाँ लेकिन लॉस कम हो रहा है आपका, ठीक है। तो आप चाहे तो 30 का कर सकते हैं, एक और देख लेते हैं, रुकिए। क्योंकि ना इसका ब्रेक इवन, अगर हम ज्यादा पास जाएंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि इस मार्केट को बहुत पीछे आना पड़ेगा प्रॉफिट देने के लिए, लेकिन अभी इस मंथ में प्रॉफिट तो नहीं है हमें पता है। इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं और 30 से भी नीचे थोड़ा सा देखते हैं एक बार, 30 के नीचे 24 है, इसको कर देते हैं, इससे ज्यादा नीचे हम नहीं जा सकते, ठीक है। प्रॉफिट में तो अब नहीं रहा, मंथ ही आपका पूरा का पूरा लॉस में चला गया अभी। अब यहां देखिए थोड़ा सा है कि 700 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन मैक्स लॉस आपका लगभग 6500 के आसपास ही रहने वाला है। अब 24 तक तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, 3 दिन रहे हैं आपके लिए, 3 दिन के अंदर एडजस्टमेंट आपको करनी है। वन डे आगे चलेंगे 6300 का लॉस, और वन डे आगे चलेंगे 6000 का लॉस, और वन डे आगे चलेंगे जो कि एक्सपायरी है आपकी, तो यहाँ पे आपका 5700 का, ये आ गया आपका 5700 का लॉस। अब यहाँ पे 30 मिनट करके हम एकदम एक्सपायरी के एंड तक चलते हैं, ठीक है। 3:15 तक हमें क्या मिला, ये आ गया हमारा 3 और ये आ गया 3:15। तो ये आपका जो मैक्स लॉस आपने बुक किया वो किया 6600 रुपए का। तो यही चीज मैं बता रहा था आपको कि ये चीज वीडियो में वहां पे नहीं बताई गई कि कितना लॉस आप यहाँ बुक कर सकते हैं। ये था 25 के लॉट साइज के हिसाब से, अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग 3500 लगा के चलिए इतना आपको लॉस इसमें मिलता। तो अब मोटी मोटी बात क्या है, आपको स्ट्रेटजी किन मंथ के अंदर प्रॉफिट देगी। इस मंथ के अंदर देगी जो मार्केट आपका रिवर्स आता है, या फिर जो मार्केट रेंज बाउंड रह गया, जो मार्केट कहीं गया नहीं वापस घूम फिर के वहीं पे आ गया, ऐसे मार्केट से प्रॉफिट दे देगी। लेकिन इस मार्केट में, इस मार्केट में, इस मार्केट में, इसमें, इसमें क्या आपको लॉस देगी, कितना देगी वो आप बैकटेस्ट कीजिए, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 कैंडल्स का बैकटेस्ट कीजिए, हर मंथ का आपका बैकटेस्ट यहाँ पे हो जाएगा 12 कैंडल्स का, और उसके अंदर आप देखिए कितने परसेंट ऑफ द टाइम आप यहाँ पे विन है और कितने परसेंट ऑफ टाइम आप लूज है, और एंड टू एंड आपके हाथ में क्या आ रहा है, और उसके बाद आरओआई भी निकालने की कोशिश कीजिएगा कि आरओआई आपके पास कितना बन रहा है। तो इसमें दोनों चीजें आप दे सकते हैं, एक सिंपल आयरन फ्लाई बना के छोड़ दी और दूसरा उसमें एडजस्टमेंट करी, दोनों चीजें आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और इसको यूज करने से पहले स्ट्रेटजी को आप खुद से बैकटेस्ट कीजिए। मैंने आपको दिखा दिया दोनों मंथ प्रॉफिटेबल और लॉस वाले, कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, और एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब एडजस्टमेंट्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमेशा रूल फिक्स नहीं होते एडजस्टमेंट के, मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। किसने बता दिया कि ऐसी करनी है, टिक टू टिक कि आपने बता दिया कि 120 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करना है, 70 करना है, 50 करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वही करना है। उस मंथ के अंदर डेल्टा वीगा गामा रो मतलब जो ऑप्शंस के ग्रीक है वो अलग हो सकते हैं, और जिस मंथ में आप ट्रेड कर रहे हैं उस मंथ के जो ग्रीक्स हैं वो अलग हो सकते हैं, तो दोनों के ग्रीक्स में फर्क हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स के अंदर खासकर ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एडजस्टमेंट नहीं करनी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्ट्रेटजी बन गई उसके बाद कदम कहानी, उसके बाद आपको मंथ एंड में देखना है वो क्या प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे मिला। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो करेंगे ये पे वाइंड अप, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।